नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारत उष्ण संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको कानपुर की महत्वपूर्ण परियोजना कानपुर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास की विशेष जानकारी देने वाले हैं। आपको हम कानपुर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट परियोजना की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देंगे, बताएंगे कि क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी, जानेंगे कौन कर रहा है इसका निर्माण, कितने लागत से होगा इसका निर्माण, देखेंगे निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति भी और जानेंगे कि कब तक होगा परियोजना पूर्ण। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किसी भी देश को विकसित होने के लिए वहाँ की आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है और इसकी महत्व को समझते हुए देश की वर्तमान सरकार भारत के विभिन्न आधारभूत संरचनाओं का अभूतपूर्व विकास कर रही है। फिर चाहे वो रेल व रोड नेटवर्क हो अथवा विकास की दौड़ में गति बनाने के लिए बुलेट ट्रेन व मेट्रो तथा एक्सप्रेस वे आदि का निर्माण या फिर एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, इस समय संपूर्ण भारत में हर ओर कोई न कोई विकास कार्य संचालित है जिसका अनुभव आप स्वयं भी अपने क्षेत्र में रह करके कर रहे होंगे। इसी क्रम में आज हम आपको उत्तर भारत के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन के विश्व स्तरीय होने की परियोजना की विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। परियोजना की जानकारी देने हेतु बता दें कि रेलवे बोर्ड के कानपुर रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तरह स्मार्ट बनाने के लिए बीते 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 508 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कानपुर रेलवे स्टेशन को भी पुनर्विकसित करने के लिए वर्चुअली हरी झंडी दिखा करके परियोजना का शिलान्यास किया था। रेलवे स्टेशनों को बेहतर लुक देने की प्रक्रिया पूरे देश में हो रही है, खासकर बड़े स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। इसी क्रम में यूपी के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम भी जुड़ा है। 712 करोड़ रुपए से होने वाले कार्यों के लिए टेंडर मांगे गए। कानपुर सेंट्रल स्टेशन का नजारा मुंबई एयरपोर्ट के प्रकार से दिखेगा। घंटाघर चौराहे से सीधे पोर्टिको तक पहुंचने के लिए रिजर्व कॉरिडोर होगा। सिटी और कैंट साइड दोनों स्टेशन का लुक भी परिवर्तित होगा। पहले हम आपको कानपुर सेंट्रल स्टेशन की 3D मॉडल को दर्शाते हैं जिसकी खूबसूरती देख करके लोग स्तब्ध हैं। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन किसी एयरपोर्ट के जैसा लगेगा। एयरपोर्ट में पैसेंजर के लिए शॉपिंग की सुविधा होगी। स्टेशन पर एक कॉमर्शियल सेंट्रल डेवलप होगा जो मेन बिल्डिंग है सिटी साइड की ओर बन करके तैयार हो रहा है। उसके दोनों साइड में कॉमर्शियल टावर है, उसके ऊपर भी कॉमर्शियल स्पेस होगा। यात्रियों के साथ ही बाहर के लोग भी उस मॉल में जा सकते हैं। एसटीपी लगाए जाएंगे, गंदगी होते ही उसका निस्तारण हो जाएगा। रेलवे के दोनों साइड एक हो जाएंगे, किसी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं होगा। मेट्रो के साथ भी जुड़ जाएगा। यात्री स्टेशन पर उतरेंगे और वहीं से उन्हें मेट्रो की सुविधा मिल जाएगी। यह नगर के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। प्लेटफॉर्म की संख्या 10 के स्थान पर 13 हो जाएंगे, जबकि अंदर जाने व निकलने के लिए अलग अलग रास्ते होंगे। प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर स्वचालित सीढ़ियों के साथ लिफ्ट भी होगी। विशेषताओं की अधिक जानकारी देने हेतु बता दें कि यहाँ पर सिटी साइड 3-स्टार होटल कम मॉल होगा। 500 वाहनों की रिजर्व पार्किंग होगी। एक परिसर में जनरल कम रिजर्वेशन सेंटर होगा। 200 यात्रियों की क्षमता वाला यात्री घर होगा। घंटा घर से पोर्टिको तक रिजर्व कॉरिडोर होगा। पोर्टिको से सीधे हैरिसगंज पुल को आउटलेन होगा। ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें हर प्लेटफॉर्म पर होंगी। बुजुर्गों के लिए बैटरी चालित मोटर ट्रॉली होगी। प्रवेश गेट पर ट्रेन शेड्यूल डिस्प्ले बोर्ड आदि होंगे। कानपुर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना की वर्तमान परिस्थिति हम आपको दर्शाते हुए बता दें कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने का दायित्व HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी को मिला है। पुनर्विकास योजना के अंतर्गत स्टेशन के कायाकल्प और सुविधाओं के लिए कंपनी को काम आवंटित कर दिया गया है। सेंट्रल के कायाकल्प के लिए प्रयागराज मंडल मुख्यालय से 655 करोड़ रुपए का कार्य कंपनी को दिया गया है। वैसे बजट में ही स्टेशन के कायाकल्प को बनाने का प्रावधान कर दिया गया था। रेलवे स्टेशन के इस कार्य के लिए 7 कंपनियों ने टेंडर डाले थे। सेंट्रल स्टेशन के कायाकल्प का कार्य कंपनी को 3 वर्ष में पूरा करना होगा। स्टेशन के सिटी साइड प्रस्तावित की गई है।
बहुखंडीय इमारत के एक ही छत के नीचे जनरल कम रिजर्वेशन टिकट की सुविधा होगी। बता दें कि सरकार द्वारा चल रही स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत सबसे पहले भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित किया जा चुका है। बता दें कि उत्तर मध्य रेलवे के 17 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पुनर्विकास योजना के अंतर्गत कानपुर सेंट्रल के सिटी साइड में वाहनों को खड़ा करने के लिए भूमिगत पार्किंग बनाई जाएगी। इसकी क्षमता एक समय में 500 वाहनों को खड़े करने की होगी। इसके ऊपर 3-स्टार होटल होगा। इसी बहुउद्देशीय इमारत में शॉपिंग मॉल होगा। घंटा घर से आने वाले वाहन सीधे पोर्टिको में जा करके सवारियों को उतारेंगे और आगे चल करके हैरिसगंज पुल के सामने के गेट से बाहर निकलेंगे। इसमें एक ही बिल्डिंग में आरक्षण केंद्र, जनरल टिकट सिटी साइड में बनेंगे। अधिक जानकारी देने हेतु बता दें कि सेंट्रल स्टेशन के अगस्त में शिलान्यास के पश्चात अब भू स्तर पर पुनर्विकास कार्य तीव्र गति से आरंभ हो चुका है। कार्यदायी संस्था स्वाधीनता से पहले निर्मित जनरल टिकट भवन को ढहा रही है। जनरल टिकट भवन पहले तोड़ा जाना है। इसके लिए तकनीकी बना करके कार्य आरंभ कर दिया गया है। इसके लिए थोड़े थोड़े हिस्से को तोड़ा जाएगा, जिससे भवन ढहाते समय यात्रियों को आवाजाही पर कोई ब्रेक ना लगे। बता दें कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन 20 लाख रुपए की लागत से ब्रिटिश काल में बना था। इसको बनाने का कार्य मार्च 1928 में आरंभ हुआ था और मार्च 1930 में बनकर के यह चालू हो गया था, परंतु यह भवन अब इतिहास बन जाएगा। इसे बुलडोजर से एक बार में ढहाने के बजाय थोड़े थोड़े स्थान पर ईंटें हटाने के लिए तकनीकी से तोड़ा जाएगा। इससे सिटी साइड पर यात्रियों का यातायात भी नहीं रुकेगा। यह भी बता दें कि नई दिल्ली से हावड़ा रूट पर पड़ने वाला कानपुर रेलवे स्टेशन देश का तीसरा सबसे व्यस्त स्टेशन है। यहाँ पर 10 प्लेटफॉर्म है, जिनसे लगभग 350 ट्रेनें प्रतिदिन गुजरती हैं। 1930 में कानपुर रेलवे स्टेशन का शुभारंभ हुआ था और वर्तमान में यहाँ से प्रतिदिन लगभग 3 लाख यात्री यात्रा करते हैं। परंतु इतिहास के भरोसे ऐसे भविष्य का निर्माण नहीं किया जा सकता जो नए इतिहास का सृजन करे। इसी उद्देश्य से भविष्य की आवश्यकता व वर्तमान गति के साथ कदम ताल करने हेतु कानपुर रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित करने की योजना पर कार्य संचालित है। आपकी इस पर क्या विचार है, वह हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, जिसके लिए हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना की जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।